भगवान श्याम सुंदर जी का एक ऐसा मंदिर जो स्थित है घने जंगल में, जहां लगती है हाजरी आरती में मोर की। प्रभु श्याम सुंदर साक्षात दर्शन देते हैं अपने भक्तों को मोर के स्वरूप। इंद्रदारी हाईवे पे उना से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर जंगल के बीच में बसा है भगवान विष्णु को समर्पित ये तुलसी श्याम का मंदिर। तुलसी श्याम के मुख्य मंदिर से बिल्कुल पास में है इनका ये अतिथि गुरु, जहां पर एसी, नॉन एसी और अगर आप सिंगल है तो ₹20 पर दिन के पे करके ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक डोरमेटिक रूम में रुक सकते हैं। और उसके बिल्कुल बगल में ही है इनका ये भोजनालय, जहाँ पर आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं और अगर आपको कुछ डोनेट करना है तो आप वो यहाँ पर कर सकते हैं। अभी मैं खड़ा हूँ तुलसी श्याम मंदिर के दाहिनी ओर, जहाँ पर है यहाँ के प्रथम मंत्र श्री दुर्गाधारी बापू की समाधि और उनकी चरण पादुका। उसके दाहिनी ओर है ये महादेव जी का मंदिर। चाहे सर्दियां हो, गर्मियां हो या फिर हो बारिश का मौसम, पर इस कुंड का रहता है पानी हमेशा गर्म। इस जल के बारे में मान्यता है कि इसमें स्नान करने से त्वचा के रोग जैसे कि खुजली, फंगल इन्फेक्शन और अन्य त्वचा संबंधित बीमारियों से मुक्ति मिलती है। इस कुंड में 3 अलग अलग तापमान है, गर्म, मध्यम और ठंडा। गर्म पानी का स्नान तनाव, चिंता और मानसिक थकान को कम करने में सहायक होता है, जो इसे यहाँ आने वाले लोगों के बीच आकर्षक का मुख्य केंद्र स्थल बनाता है। यह जो सामने की तरफ आपको नजर आ रहा है वो है पार्किंग एरिया और पास ही में है तुलसी श्याम जी का ये मुख्य मंदिर। यहाँ से हम ऊपर आए हैं, अभी मैं खड़ा हूँ सीढ़ियों पर तकरीबन 200 स्टेप चढ़कर। यहाँ से अगर आप नीचे की ओर देखेंगे तो कुछ इस तरह का व्यू बनता हुआ आपको नजर आएगा। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते अगर आप थक जाते हैं तो यहाँ सीढ़ियों पर बैठने की सुविधा भी उपलब्ध है, जहाँ पर आप आराम से बैठ सकते। तो फाइनली 400 स्टेप की चढ़ाई चढ़ के और नीचे से 400 मीटर की ऊंचाई पे हम पहुंच चुके हैं रुक्मिणी देवी जी के इस मंदिर। यहाँ से सामने की ओर अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का बेहतरीन नजारा आपको नजर आएगा, जो वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। पूरी तरह गिरनी से ढके ये पहाड़ देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। माना जाता है कि रुक्मिणी देवी श्याम जी से रूठकर पहाड़ की चोटी पर आकर बैठ गई थी, इसी वजह से पहाड़ की चोटी पर बनाया गया है ये रुक्मिणी देवी जी का मंदिर और उसके ठीक सामने ही है ये श्याम सुंदर जी का मंदिर। तुलसी श्याम मंदिर का निर्माण लगभग 700 साल पहले हुआ था। यहाँ भक्त भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं और मंदिर में वर्ष भर कहीं धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, जैसे जन्माष्टमी और कार्तिक पूर्णिमा। इन अवसरों पर बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। गिर जंगल के भीतर होने के कारण वन्य जीवों के दर्शन का भी अवसर मिलता है। गिर का ये क्षेत्र एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है और पर्यटक मंदिर दर्शन के साथ साथ वन्य जीव सफारी का आनंद भी ले सकते हैं। तुलसी श्याम से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है ये एंटी ग्रेविटी हिल, जहां पर अगर आप गाड़ी का इंजन ऑफ करते हैं तो आगे की तरफ ढलान होते हुए भी गाड़ी आपको पीछे की तरफ लुटकती हुई नजर आएगी। ऐसा ही एक चुंबकीय क्षेत्र कच्छ में भी मौजूद है। आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में उसकी लिंक आपको नजर आ रही होगी, आप चाहें तो वहां से भी उसे वॉच कर सकते हैं। तुलसी श्याम मंदिर के इतिहास के बारे में ज्यादा जानकारी देंगे यहाँ के असिस्टेंट मैनेजर श्री अमूबाई। स्कंद पुराण ना उल्लेख प्रमाण है ये समय के लाखों वर्ष पहला ये विष्णु भगवान ने अहियाँ आ कुल नामना दैत्य नो संहार करो। संहार करता पहला दैत्य राक्षसे ए एक वरदान मांगवा कहूँ, हे प्रभु आप श्री ने हूँ ओळखी शक्यो नथी, पण हवे तमे तमारो परिचय आपो कि जे आपणे 1000 वर्षथी अहियाँ लड़ी रह्या छीए, ત્યારે હું આજ સુધીમાં કોઈ દિવસ હાર્યો નથી અને આજ તમે તમને ઓળખી શકો નથી તો તમે કોણ છો? ત્યારે ભગવાન વિષ્ણુએ પોતાની ઓળખ આપી કે જે આખી અખિલ બ્રહ્માંડનો નાયક એવા જે હું ભગવાન વિષ્ણુ પોતે બિરાજમાન છું તારી સામે, અને તું દૈત્ય નામનો રાક્ષસ છે અને તારી રાક્ષસી યોનિમાંથી મુક્તિ આપવા માટે હું મારું જે સુદર્શન ચક્ર છે એ છોડું છું, એના પહેલાં તારે જે કાંઈ વચન માગવું હોય તે હું આપવા તૈયાર છું. ત્યારે દૈત્ય રાજે કીધું કે હે પ્રભુ, જો મારી ઉપર પ્રસન્ન થયા હોય તો એ રાક્ષસ યોનિમાં જે મારા આત્મા છે એની મુક્તિ કરો અને આ જગ્યાએ મારું નામ પહેલું અને ત્યાર પછી તમારું નામ રહે એવું કાંક સ્થાનની ઉત્પત્તિ કરો. ત્યારે ભગવાને એને વરદાન આપ્યું કે કળિયુગને વિશે જ્યારે હું જે કૃષ્ણ અવતાર લઈશ ત્યારે તારો આ સ્થળે તુલસી શ્યામ એવું નામ ધારણ થશે અને અહીંયા આ જગ્યાની ઉત્પત્તિનું નામ જે જગ્યાનું નામ એ તુલસી શ્યામ એવું નામ પડશે. જે ડુંગરા ઉપર છે માતાજી એ પણ સ્વયંભૂ છે, આ મૂર્તિ પણ સ્વયંભૂ છે અને સામે જે ગરમ પાણીના કુંડ છે એ પણ એ બંધાવી આપેલ છે.
એટલે જોગલસન રાયસન છેટે આ જે એક ભગવાનનું મંદિર, ગરમ પાણીના કુંડો અને એક માતાજીનું મંદિર બંધાવી આપ્યું અને ત્યાર પછી આ તુલસીશ્યામનું ધીરે 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 વિકાસ થવા લાગ્યો. આજથી 300 વર્ષ પહેલાં આ જે તુલસીશ્યામ ધામ છે ઉત્પત્તિ થઈ છે. उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए हो हमारे चैनल पे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें.